नॉर्थ दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में कार में लगी भयंकर आग। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर कार में लगी आग को फैलने से जैसे तैसे रोका, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। आपको बता दें, जहां गाड़ी में आग लगी उसी जगह के पास एक पेट्रोल पंप होने की वजह से एक बड़ा हादसा हो सकता था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये गाड़ी एक महिला चला रही थी और साथ ही कार में आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। आइए सुनते हैं क्या कहना है चश्मदीदों का। राकेश जी, क्या देखा था आपने यहाँ पे? क्या मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा उस गाड़ी में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से आग लगी। उसमें एक सिर्फ एक लेडीज बैठी थी जो अपने मतलब जान बचा के गाड़ी से निकल के ऑटो करके चली गई। उसके बाद गाड़ी जलती रही तो फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा, आधे पौने घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई है, ठीक है। और वैसे थाने वालों ने और पेट्रोल वालों का भी बुझाने की कोशिश की आपको छोटे सिलेंडरों से, जो कि वो कामयाब नहीं हो पाए। बस गाड़ी में आग लगी, गाड़ी पूरी जल के राख हो गई। पूरा जो मामला कहाँ पे हुआ? मॉडल टाउन मेट्रो का है। कितनी देर आग अपने चपेट में ले रखी थी? आग कम से कम पौना घंटा, एक घंटे करीब गाड़ी में आग लगी रही है। एक घंटे तक गाड़ी में? हाँ, लगभग एक घंटे तक आग लगी। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई है। फायर ब्रिगेड के आने के बाद कितनी देर में आग बुझ गई थी? 10-15 मिनट में उन्होंने आग बुझा दी। उसके बाद क्योंकि गाड़ी तो पूरी जल चुकी थी, गाड़ी में कुछ बचा ही नहीं था बुझाने के लिए। कहीं ना कहीं आग भी कम हो गई होगी? आग भी कम होगी, सारा काम कम ही हो गया था। गाड़ी जल ही चुकी थी, तकनीकन सारी गाड़ी जल चुकी थी। गाड़ी में किसी के जान माल का खतरा नहीं? ऐसा कुछ नहीं हो, जो एक ही लेडीज थी वो निकल गई थी बाहर, किसी का जान माल कोई खतरा नहीं है। जो आसपास के दुकानदार थे या जो स्टैंड पर लोग खड़े थे बस स्टैंड के चक्कर में, बस के इंतजार में, वो सारे वहाँ से भाग गए। पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया था, ट्रैफिक यहाँ से बिल्कुल बंद कर दिया गया था और सर्विस लाइन से ट्रैफिक निकाला सारा। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए। प्रतीक शर्मा के साथ संजय शर्मा की ये रिपोर्ट।